बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। स्पेशली बच्चों के लिए है ये रेसिपी, जिसको आप झटपट 5 मिनट में बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको स्कूल के लिए लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं और बच्चों को नाश्ते में भी, ब्रेकफास्ट में भी बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं मैंने। आप किसी भी कंपनी के, ब्रांड के बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका पाउडर बना लेना है। इसको हम डालेंगे ब्लेंडिंग जार में और इसका पाउडर बना लेंगे, ठीक है। और ये मैंने लिए हैं 2 हाफ रोल। ये देखिए, इसका पाउडर मैंने बना लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून पाउडर्ड शुगर और 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर नहीं है तो आप इसमें माइलो या बॉर्नवीटा भी यूज कर सकते हैं। मैं पिसी हुई चीनी इसमें यूज कर रही हूं, आप सिंपल चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। पाउडर्ड शुगर मैंने इसलिए यूज की है क्योंकि ये इजीली इसमें डिजोल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती है, ठीक है। इसको हमने कर लिया है अच्छे से मिक्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा मिल्क और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे, जिस तरह से हम केक के लिए बैटर बनाते हैं ना, या जैसे आप मार्केट से न्यूट्रीला वगैरह या कोई भी चॉकलेट स्प्रेड लेकर आते हैं, उस तरह का हमने एक बैटर तैयार कर लेना है। लम्स फ्री बैटर होना चाहिए और कंसिस्टेंसी मैं आपको साथ के साथ चेक करवा दूंगी, ठीक हो गया। ये देखिए, ये मिक्स हो चुका है और आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप इस बैटर को 1 हफ्ते के लिए एयरटाइट कंटेनर में डालकर सेव भी कर सकते हैं। इजीली सेव करके आप इसको फ्रिज में रख लें, जब आपका दिल करे निकालें, बनाएं और खा लें। 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं मैंने और इस बैटर में जितना दूध यूज हुआ है वो भी मैं आपको बताती चलूं। 1/3 कप इसमें दूध यूज हुआ है। हाथ रोक के डालिएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसमें दूध ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। अब 2 स्लाइसेस लिए हैं मैंने ब्रेड के। इस पे हम जो अपना बैटर हमने अभी तैयार किया था वो इस तरीके से कर लेना है हमने स्प्रेड दोनों स्लाइसेस पे। जितना आपको पसंद हो, कम या ज्यादा, आप इस पे स्प्रेड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। ये लग चुका है और अब हम सेकंड वाला स्लाइस इस पे रख देंगे और इसको करेंगे थोड़ा सा प्रेस। इसी तरीके से ये वाला भी मैं रख दूंगी इसके ऊपर और इसको प्रेस कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। पैन में लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। आप इसमें घी भी यूज कर सकते हैं और बटर यूज कर लेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। और अब हम अपना स्लाइस जो है वो इसमें रख देंगे इस तरीके से और इसको हम टोस्ट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे ब्राउन होने तक, तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो चुका है तकरीबन और अब मैं इसको करूंगी फ्लिप। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। और इस साइड को भी मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए टोस्ट करूंगी, जस्ट बिल्कुल लो फ्लेम पे, ठीक हो गया। ये देखिए जी, ये चुका है रेडी। इसी तरीके से मैं सेकंड वन भी बना लूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है हमारा लंच बॉक्स रेसिपी। बच्चों को बहुत पसंद आएगी। जैसे कि आपको पता है स्कूल ओपन हो चुके हैं, बच्चों को बना कर दें, यकीन मानिए बहुत ही पसंद करेंगे। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।